मशहूर शायर राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा था कि दो गज ही सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। इंसान जब आखिरी सफर पर होता है तो उसे महज दो गज की ही जरूरत होती है, लेकिन जिंदा रहते हुए वो कुछ गज जमीन के लिए अपनों का भी खून बहाने से बाज नहीं आता। ये तस्वीरें हैं गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र की, जहां एक दूसरे पर तलवार, कुदाल और टांगी से हमला करते ये दुश्मन नहीं बल्कि अपने भाई है, लेकिन जमीन के एक टुकड़े ने इन्हें एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया है। एक भाई ने दूसरे पर हमला कर दिया। मामला थाने में दर्ज हो चुका है, सबूत के तौर पर वीडियो भी दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ भरोसा। इस भरोसे से थक कर अब पीड़ित एसपी से गुहार लगाने पहुंचे हैं। साहब के पास आए थे, हमारा सर केस है मेहरमा थाना में, हमारे साथ में मारपीट हुआ है, उसका हमारे पास वीडियो सबूत भी है, उसके बाद में हमारा मेहरमा थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वही दिखाने आए थे एसपी साहब को? जी सर। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले हैं तुम्हारा निरीक्षण सही तरह से होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। जो भी इश्यूज हुआ है यहाँ पर मेहरमा में हो या आपका पतरगामा में हो, उसमें कानूनी कार्रवाई किया गया है, एफआईआर तो दर्ज होगा। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा घटना होता है तो तुरंत पुलिस को आप इनवाइट कीजिए और पुलिस वो जो है मामलों को देख लेगा, अपने से कानून को हाथ में ले लेंगे तो उसमें जो है फिर बहुत सारे लोगों को फंसना या नहीं तो कहीं पर जो है आप लोगों को एफआईआर में नाम आना, फिर बाद में जो है उसका सुपरविजन में ट्रू होना, आपको जो है तकलीफ हो जाएगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जो भी ऐसे जनरल इश्यूज है, जो सोसाइटियल इश्यूज है, जमीन का इशू हो गया आपका, कई लड़की से छेड़छाड़ हो गया, वैसा मैटर्स में तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। अगर पुलिस वहाँ पर नहीं आता है तो इंस्पेक्टर साहब लोग है, डीएसपी है, अगर नहीं होता है तो हमारा डायल 100 भी है और एसपी साहब का जो है फोन भी है, आप हम लोगों को खबर कर सकते हैं और उस पर जो है हम लोग। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस की कार्रवाई कमजोर होती है, यही वजह है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। समाचार प्लस के लिए गोड्डा से संतोष भगत की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।